लाख जतन के बाद भी फंस गया पाकिस्तान। पाकिस्तान को नहीं बचा पाया चीन। एफएटीएफ ने ऐसे लताड़ा कि होश ठिकाने आ गए। पाकिस्तान चीन की संगत में रहकर चालाकी से ज्यादा चोरी करना सीख चुका है, लेकिन एफएटीएफ की पैनी नजर में पाकिस्तान की चोरी भी पकड़ी गई, इमरान की जालसाजी पकड़ी गई। नतीजा ये रहा कि चीनी पिट्ठू पाकिस्तान को एफएटीएफ की क्षेत्रीय इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप ने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगा पाने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान को इनहेंस्ड फॉलो अप में बरकरार रख दिया है। पाकिस्तान ने बहुत ही शातिराना तरीके से ये कोशिश की थी कि वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से खुद को निकाल ले, लेकिन इस फटकार के बाद ये गारंटी मानी जा रही है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से अभी कोई नहीं निकाल सकता और उस पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा लगातार बढ़ता रहेगा। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो एपीजी ने पाया कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए एफएटीएफ की ओर से दिए गए तकनीकी सुझाव को लागू करने में पाकिस्तान ने बहुत कम प्रगति की है। पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ओर से की गई 40 सिफारिशों में से केवल 2 पर ही प्रगति की है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब एफएटीएफ 21 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच वर्चुअल बैठक करने जा रहा है। पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से अपने पिट्ठू को एफएटीएफ से बचने का रास्ता बताया। पाकिस्तान ने चीनी सलाह लेकर बीते कुछ महीनों में हजारों आतंकियों के नाम निगरानी सूची से हटाकर उन्हें बचाने के साथ साथ अपनी मुसीबत कम करने की कोशिश की थी, लेकिन ये सारे के सारे दांव धरे रह गए हैं। 12 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के सिफारिशों के पूरा करने में एक साल में कोई बदलाव नहीं आया। इसको देखते हुए एपीजी ने घोषणा की है कि पाकिस्तान इनहेंस्ड फॉलो अप लिस्ट में बना रहेगा। साथ ही पाकिस्तान को 40 सुझावों को लागू करने की दिशा में किए गए प्रयासों की भी रिपोर्ट सौंपनी होगी। यकीनन इसमें भी पाकिस्तान आने वाले दिनों में फेल ही होता नजर आएगा, क्योंकि इसके पहले भी पाकिस्तान फेल ही होता रहा है। अब ऐसे में चीनी पिट्ठू पाकिस्तान खुद के गर्दन को कैसे बचाता है ये देखना होगा। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी त्राही त्राही कर रहा है, जब वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो वो घुटनों के बल आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसे अंतरराष्ट्रीय रूप से मिलने वाली मदद भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। अब इंतजार है एफएटीएफ की बैठक में होने वाले फैसले का कि एफएटीएफ का हंटर कितनी तेजी से उस पर चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।